पप्पू यादव पर कटिहार डीएसपी ने कहा कर रहे थे आचार संहिता उल्लंघन। कटिहार में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद प्रत्याशी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सदर डीएसपी अभिजीत सिंह पर साजिश करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वे कोड़ा विधानसभा के दिगरी गांव में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, इस दौरान उनको रोका गया, प्रशासन ने उनके साथ गलत व्यवहार भी किया। इधर कटिहार पुलिस प्रशासन का कहना है कि पप्पू यादव आचार संहिता का पालन नहीं करते हुए चुनाव प्रचार कर रहे थे। हालांकि पप्पू यादव ने कहा कि वे अपने समर्थकों के साथ मिलने पहुंचे थे, प्रशासन के गलत बर्ताव के कारण वे दिगरी चौक की सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कल यहां वोटिंग होनी है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव जी गांव-गांव में घूम के अपने गाड़ियों के काफिले के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पैसे बांट रहे हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने उनकी गाड़ी को जब यहाँ रोका तो वो गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगे और अपने समर्थकों को बुला के पुलिस वालों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लेकिन जब गाड़ियों को हम लोगों ने मजिस्ट्रेट के सामने जांच कराया तो उसमें से बांटने वाले पैम्फलेट गाड़ियों का कोई भी परमिशन नहीं था और साथ ही साथ कुछ पैसा भी बरामद हुआ जिसको मजिस्ट्रेट अभी गिन रही हैं। फिर अब हम लोग उसके प्रसंग धारा में गाड़ी भी जब्त किया गया। कितने पैसे बरामद हुए? ये अभी गिनती चल रही है। जब्ती में क्या क्या हुआ? जब्ती में गाड़ी जब्त किया गया है, पैम्फलेट जब्त किया गया है और कुछ पैसा बरामद। कितनी गाड़ियाँ? गाड़ियाँ 2 या 3 गाड़ी बरामद हुई है, जब्त हुई है। अभी हम लोग जा रहे हैं नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं था, क्योंकि हम लोग मैंने ही सबसे पहले मजिस्ट्रेट के साथ उनकी गाड़ी रोकी थी तो उन्होंने ही हमको बहुत अभद्र तरीके से बहुत सारी चीज़ बोली जिसको बोलना कोई उचित नहीं। ठीक है, गाड़ी का परमिशन नहीं था क्या? परमिशन नहीं, किसी गाड़ी का परमिशन नहीं, गाड़ी का। अभी जी रुकिए एक मिनट सर, पप्पू यादव को रोका गया था सर? हम लोगों को खबर मिली थी कि उन्होंने साइलेंस पीरियड के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, इसलिए रोका गया था। पैसा भी? हाँ, गाड़ी चेकिंग के दौरान 50,000 रुपये कैश मिले और कुछ पंपलेट्स मिले। छोड़ दिया गया? नहीं, उन पर कार्रवाई हो रही है। कहाँ से कार्रवाई? कोढ़ा थाना का ये क्षेत्र पड़ता है, कोढ़ा CO और कोढ़ा के जो SHO है ये इसको उन पर जो आगे की कार्रवाई है वो करेंगे। कोढ़ा हालांकि कटिहार का क्षेत्र है लेकिन ये पूर्णिया लोकसभा की एक सीट है। उन्होंने डीएसपी सर पर हत्या करवाने का आरोप लगाया सर, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अब राजनीति में पॉलिटिशियन क्या कमेंट करते हैं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। थैंक यू। क्या बरामद हुई सर? मैंने तो बताया कि कुछ कैश है, करीबन 50,000 रुपये हैं और कुछ पंपलेट्स, चुनावी पंपलेट। रोका क्यों गया था सर? रोका क्यों गया? इसी वजह से कि वो साइलेंस पीरियड में घूम रहे थे बिना उनकी गाड़ी का कोई लाइसेंस, ये नहीं था, परमिशन नहीं था। साइलेंस पीरियड में कोई भी लाइसेंस नहीं दे रहने के कारण रोका गया। SDO कटिहार।